नमस्कार, मैं कोपल हालन स्वागत करती हूं आपका सी लॉर्ड न्यूज में। जानते हैं क्या है समय की ताजा खबर। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सोमवार को इमरजेंसी एक्ट लागू कर दिया। पिछले 3 हफ्तों से ट्रकों और दूसरे वाहनों के साथ हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारियों ने राजधानी ओटावा की सड़कों को बंद कर रखा है, जिससे जनजीवन ठप पड़ा है। सरकार के खिलाफ प्रदर्शनों को रोकने के लिए जस्टिन ट्रूडो ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। कनाडा में 50 वर्षों में पहली बार इमरजेंसी एक्ट लागू हुआ है। ट्रूडो का कहना है कि इससे फेडरल सरकार को ट्रकों के प्रदर्शन को काबू करने में ज्यादा ताकत मिलेगी। पार्लियामेंट हिल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जस्टिन ट्रूडो ने कहा, अब साफ हो चुका है कि सरकार के सामने एक कानून प्रिय देश में कानून व्यवस्था लागू करना ही मुश्किल हो गया है। ऐसे में बिगड़े हुए हालात को काबू करना बहुत जरूरी हो गया है। जस्टिन ट्रूडो ने कहा, पुलिस को इमरजेंसी एक्ट के तहत आने वाली सभी ताकत दी जाती है। इससे पुलिस को स्थिति ठीक करने में काफी मदद मिलेगी। पब्लिक असेंबली पर अवैध और खतरनाक एक्टिविटी हो रही है, जैसे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। सरकार कई गंभीर इलाकों की पहचान कर रही है, जैसे बॉर्डर क्रॉसिंग और एयरपोर्ट पर खासा निगाह रखी जा रही है। इस दौरान रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें सुचारू रूप से चलती रहेंगी। पिछले 50 सालों में कनाडा में कोई आपातकाल नहीं लगाया गया है। इस आपातकाल को लेकर आलोचक ट्रूडो की कड़ी निंदा कर रहे हैं। भारत के किसान आंदोलन का ट्रूडो ने समर्थन किया था और कहा था कि उनकी सरकार शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के साथ खड़ी है, लेकिन अब जब खुद उनके देश में प्रदर्शन हो रहे हैं तो ट्रूडो ने देश में आपातकाल लगा दिया है। इसे लेकर उन्हें ट्विटर पर ट्रोल किया जा रहा है। धन्यवाद।